इजी कुकिंग बाय परमजीत कौर फ्रॉम मोहाली जी तुहाडा स्वागत है। अज असीं कॉर्न सैलड बनावांगे। जे साडी रेसिपी तुहानू अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करियो। कॉर्न सैलड बनाने वास्ते सब तो पहले असीं स्वीट कॉर्न एक तो डेढ़ मिनट असीं पानी च बॉयल करांगे। पानी असीं गैस ते रखिया जी, पानी साडा उबलन लग गया जी, तो स्वीट कॉर्न असीं इहदे च ऐड करदे हां। 200 ग्राम स्वीट कॉर्न है जी, तो एक तो डेढ़ मिनट असी इनू पानी बॉयल करांगे। डेढ़ मिनट असी इनू बॉयल कर लिया जी, हुण असी गैस बंद कर दी है। ये छलनी असी इनू छान लेना जी, एक अलग बाउल च असी कढ लेना जी। इन्हां सलाद बनाना शुरू करते हैं जी। सब तो पहले असी एक खीरा लिया, 150 ग्राम इहदा वेट है। अगों तो पिछों इनू असी कट देना है, तो उस तो बाद असी इनू छोटे छोटे पीसिस करना है। खीरे नू चार कट देने तो बाद इनू एज पर रिक्वायरमेंट इनू छोटे छोटे पीसिस कर लो जी। नाल नाल असी एक बाउल च शिफ्ट करी जाने जी। सीटे ते कढ देने जी। येलो शिमला मिर्च ये भी असी छोटे छोटे पीसेज कट लेने हैं जी। ये अंदरों सीड असी कढ देने जी, देखो ते ग्रीन इहदा जिहड़ी डंडी इह भी कढ देनी है। पहले उन्हें लंबे लंबे पीसिस करन तो बाद फिर छोटे छोटे पीसिस कढ लेने। टमाटर नूं हाफ करके जी ते लंबाई च असी पीस कट लेने। उस तो बाद असी इहदे छोटे छोटे पीस कर लेने। प्याज ये भी इस तरह छोटे छोटे पीस कर लेने जी, 50 ग्राम इहदा वेट है। टमाटर साढ़े जिहड़े सी 150 ग्राम सी जी, ते येलो शिमला मिर्च 100 ग्राम सी। भी ग्राम कोरिएंडर लीव्स हैं जी, धनिए इन्हों बरीक बरीक चॉप कर लेना जी। इस तरह धनिए के पत्ते असी बरीक चॉप कर ली। बॉयल्ड स्वीट कॉर्न ऐड कर दें।
अच्छी तरह मिक्स कर लेना जी इनू। एक छोटा चम्मच नमक ऐड कर दें जी, बाकी अपने टेस्ट के मुताबिक वध घट पा सकते हो। एक छोटा चम्मच काली मिर्च, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक वध घट पा सकते हो। तीन टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर देना जी। लेमन जूस 2 टेबलस्पून ऐड करांगे। बाकी आपके टेस्ट के मुताबिक लेमन जूस तुसी वध घट पा सकते हो। लेमन जूस 2 टेबलस्पून असी ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह इनू मिक्स करांगे। तो कॉर्न सैलड साडा बन के तैयार है। कॉर्न सैलड बन के साडा बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करते हैं तुहानू पसंद आएगा। एक बारी बना के देखो और कमेंट बॉक्स अपने कमेंट्स जरूर दियो कि तुहानू कैसा लग गया। थैंक यू वेरी मच।